हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। टुडे आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू टीच यू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंस। आई एम सेइंग मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज यू विल फाइंड मेनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। व्हेन वी talk about past indefinite, we find that an action has span, action बीत चुका है, इसलिए तो इसे past indefinite कहा है, past बीता हुआ। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी, ता था, ते थे, ती थी आदि शब्द आते हैं। I will tell you some example of past indefinite. First of all, I will tell you about affirmative sentence. After that, I will tell you negative and interrogative sentence. First of all, I will tell you affirmative sentence. जैसे in every subject, with every subject, second form of verb is used. वह कल बाजार गया था। He went to market yesterday. या ये कहते हैं हम कल बाजार गए थे, we went to market yesterday. There is not any matter of singular number or plural number. With every subject, second form of verb is used. जैसे लड़कों ने कल क्रिकेट खेला था, the boys played cricket yesterday. Played second form. या रोहित ने कल क्रिकेट खेला था, रोहित प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। आई एम गोइंग टू टेल यू वंस अगेन, देयर इज नॉट एनी मैटर ऑफ सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर। विद एवरी सब्जेक्ट यू आर टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम सेंटेंसेस ऑफ हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट। फॉर हैबिचुअल एक्शन यूज टू इज यूज। एज फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल जाया करता था, ही यूज टू गो टू स्कूल। यू आर टू रिमेंबर आफ्टर यूज टू, यू आर टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इन मॉडर्न इंग्लिश वी कैन से ही वुड गो टू स्कूल। यूज टू के स्थान पर वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। दो तरह के सेंटेंस हो गए। अब तीसरा काइंड बता रहा हूं आपको मैं, इस तरह, जब मैं हाई स्कूल में था मैं फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकता था। When I was in high school, I could speak English fluently, और I could speak fluently English. When I was in high school, I could speak fluently English. यानी कि सत्ता था के लिए कुड का प्रयोग करेंगे, करता था के लिए यूज टू या वुड का प्रयोग करेंगे। अब एक काइंड और है, वो भी बता देता हूँ आपको मैं। पढ़ा, उसे बाजार जाना पड़ा। He had to go to market. मैंने आपको पहले ही कहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंस, क्योंकि अफर्मेटिव में ही चार तरह के सेंटेंस हो गए। अब निगेटिव की बात करते हैं। निगेटिव का फील्ड इतना बड़ा नहीं है, निगेटिव का तो एक रोल है, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वह बाजार नहीं गया था, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। लेकिन इसमें भी एक दूसरा तरह का वाक्य आ जाता है, वह बाजार कभी नहीं गया, ही नेवर वेंट टू मार्केट। यदि कभी नहीं का बात कर रहे हैं तो नेवर के बाद सेकंड फॉर्म लगाएंगे, यदि नहीं की बात कर रहे हैं तो डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसमें भी सब्जेक्ट का कोई मैटर नहीं है, सिंगुलर नंबर प्लुरल नंबर, चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लुरल नंबर हो, हमें डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। और प्लुरल नंबर में कभी नहीं के लिए या सिंगुलर नंबर में भी नेवर के बाद सेकंड फॉर्म लगानी है। मेरे कहने का मतलब है कि इन दिस टेंस देयर इज नॉट एनी डिफरेंस ऑफ सिंगुलर और प्लुरल, सबका एक ही रूल है। आई एम गोइंग टू टेल यू वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टेंस, वेरी अमेजिंग इंटरेस्टेड टेंस, वेरी यूजफुल टेंस इन स्पोकन इंग्लिश आल्सो। स्पोकन में भी इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आप कई तरह के वाक्य पाते हैं, यूज टू, कुड, हैड टू। अब आप बात कर लेते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस की।
तो इंटरेटिव सेंटेंस में क्या ध्यान रखना, यदि वाक्य में क्या शुरू में आया है तो हेल्प यू डिड शुरू में आ जाएगी, यदि क्या क्यों कहां बीच में आया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड आएगा। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, अगर पहले इंटरेटिव फर्स्ट टाइम की बात कर लेते हैं, क्या वह कल बाजार नहीं गया था, डिड ही नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे, क्या तुमने कल उसे नहीं पढ़ाया था, डिड यू नॉट टीच हिम यस्टरडे, क्या वह बाजार गया था, ऐसा भी हो सकता है क्या से शुरू होने वाला वाक्य में नोट ना आया हो, ऐसे भी देख लो, क्या वह बाजार गया था, डिड ही गो टू मार्केट। तो आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नोट जब लगाएंगे यदि नहीं आया है, नहीं तो नोट को हटा देंगे। अब हम सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं, जैसे वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया था, व्हाट डिड यू डू तुमने क्या किया था, व्हाट डिड यू ईट तुमने क्या खाया था, वेयर डिड ही वेंट सॉरी वेयर डिड ही गो यस्टरडे, वह कल कहाँ गया था। यू कैन आस्क मैनी क्वेश्चन इन कन्वर्सेशन आल्सो, यू कैन यूज दिस टेंस इन स्पोकन इंग्लिश आल्सो, एज फॉर एग्जाम्पल आई विल आस्क सम क्वेश्चन टू ए बॉय नेम्ड अक्षर, अक्षर स्टैंड अप प्लीज एट योर प्लेस, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहाँ गए थे, यू आर टू आंसर इन पास्ट इंडेफिनिट, वंस अगेन आई एम आस्किंग यू वेयर डिड यू गो यस्टरडे, आई वेंट टू नॉलेज, वेरी गुड। जब डिड का प्रयोग हुआ है तो आंसर सेकंड फॉर्म से दिया जाएगा, आई वेंट टू रोनी हरजीपुर। हाउ डिड यू गो देयर, बाय योर ऑन व्हीकल और बाय बस, बाय बस। या हु वेंट विद यू देयर, माय फादर। What time did you go there? 6 o'clock. What time did you return yesterday from there? 7 o'clock. Yeah. What did you take there? I mean to say, what did you eat in the function? Kadhi chawal. Yes, very good. What time did you get up today? I get up 8 o'clock in the morning. What time did you come to the tuition here? 3 o'clock. नाइस टू टॉक यू। तो आई मीन टू से वी कैन सिट डाउन प्लीज, वी कैन टॉक सो मैनी क्वेश्चन, वी कैन आस्क सो मैनी क्वेश्चन इन दिस टेंस, आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन एंड अगेन, वेरी इम्प्रेसिव वेरी अमेजिंग टेंस, पास्ट इनडेफिनिट टेंस। आई ऑलवेज एडवाइज, मैं हमेशा सलाह देता हूँ दैट ग्रामर ट्रांसलेशन वोकैबुलरी इज वेरी इसेंशियल इफ यू वॉन्ट टू बी ए गुड लर्नर, डीप ग्रामर वोकैबुलरी टेंसेज एवरीथिंग इज अवेलेबल एट अवर कोचिंग सेंटर। इट इज मैं आदेश शर्मा फ्रॉम एक्सीलेंट इंग्लिश कोचिंग सेंटर एंड स्पोकन इंग्लिश चैनल जलालाबाद मोहल्ला रामनगर नियर डॉक्टर यशपाल शर्मा क्लिनिक। आई वुड लाइक टू टेल यू, I would like to advise the student of UP board and CBSE board that board examination are near. You are to study hard. If you are to face many problem, if you are facing many problem in any problem of English, please contact me. My contact number 8923855681. That's all for the day. Have a good day.